मुझे खुशी है कि आपने इस भवन के इतने पुराने इतिहास को, इसके शिल्प को संजोते हुए आधुनिकता का एक स्वरूप अपनाया है। इसमें महाराष्ट्र की महान परंपरा के अनुरूप शौर्य, आस्था, आध्यात्म और स्वतंत्रता आंदोलन में स्थान की भूमिका को भी दर्शन होते हैं। यहां से वो जगह ज्यादा दूर नहीं है जहां से पूज्य बापू ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इस भवन ने आजादी के समय गुलामी के प्रतीक को उतरने और तिरंगों को शान से पहरते हुए देखा है। अब जो ये नया निर्माण हुआ है, आजादी के हमारे क्रांतिकारी को जो यहां स्थान मिला है, उससे राष्ट्रभक्ति के मूल्य और सशक्त होंगे। साथियों, आज का ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी आजादी के 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये वो समय है जब देश की आजादी, देश के उत्थान में योगदान देने वाले हर वीर वीरांगना, हर सेनानी, हर महान व्यक्तित्व, उनको याद करने का ये वक्त है। महाराष्ट्र ने तो अनेक क्षेत्रों में देश को प्रेरित किया है। अगर हम सामाजिक क्रांतियों की बात करें तो जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज से लेकर बाबा साहब अंबेडकर तक समाज सुधारकों की एक बहुत समृद्ध विरासत है। यहां आने से पहले मैं देहू में था जहां संत तुकाराम शिला मंदिर के लोकार्पण का सौभाग्य मुझे मिला। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, संत दामदेव, समर्थ रामदास, संत चोखा मेला जैसे संतों ने देश को ऊर्जा दी है। अगर स्वराज की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन आज भी हर भारतीय में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रबल कर देता है।